हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप अप क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टेप अप क्रेडिट कार्ड को पैसा बाजार के द्वारा SBM बैंक इंडिया लिमिटेड के सहयोग से जारी किया गया है। ये एक प्रकार का सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है। इस क्रेडिट कार्ड को SBM बैंक के साथ खोले गए फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जारी किया जाता है, यानी कि आपने फिक्स डिपॉजिट के रूप में इस बैंक के साथ आपने जो पैसा जमा किया है उसे मॉर्गेज रखकर, यानी कि गिरवी रखकर इस क्रेडिट कार्ड को जारी किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार का क्रेडिट कार्ड ऐसे लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है जिनका क्रेडिट स्कोर कम है या बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, खराब क्रेडिट स्कोर होने के कारण व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड देने से मना कर दिया जाता है, लेकिन स्टेप अप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप खराब क्रेडिट स्कोर होते हुए भी अपने फिक्स डिपॉजिट के आधार पर एक क्रेडिट कार्ड की सुविधाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, स्टेप अप क्रेडिट कार्ड में फिक्स डिपॉजिट पर आप सालाना 6.4% तक इंटरेस्ट आप पा सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के अनेकों बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, बात करें स्टेप अप क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स की, तो दोस्तों स्टेप अप क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन एक्सेप्ट होते ही आपको एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। आपको अपने फिजिकल क्रेडिट कार्ड के आने का आपको वेट नहीं करना होता है। आप वर्चुअल क्रेडिट कार्ड प्राप्त करते ही आप तुरंत अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इस कार्ड के लिए लगभग सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी भारतीय निवासी एक स्टेप अप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। दोस्तों, स्टेप अप क्रेडिट कार्ड में आपकी क्रेडिट लिमिट आपके फिक्स डिपॉजिट पर निर्भर करती है। आप जितना ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट जमा करेंगे उतना क्रेडिट लिमिट आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, इसके लिए आप 1,00,000 रुपये तक फिक्स डिपॉजिट जमा कर सकते हैं। इस प्रकार आप 1,00,000 रुपये तक का क्रेडिट लिमिट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, स्टेप अप क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर आपको रिवार्ड पॉइंट्स का बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खर्च किए गए हर 100 रुपये पर आपको एक रिवार्ड पॉइंट मिलता है। इस रिवार्ड पॉइंट को बाद में आसानी से रिडीम आप कर सकते हैं। दोस्तों, स्टेप अप क्रेडिट कार्ड को प्राप्त करने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई ज्वाइनिंग फ़ी या एनुअल फ़ी का पेमेंट नहीं करना होता है। इस पर लगने वाला ज्वाइनिंग फ़ी 0 है, और आपको हर साल एनुअल फ़ी के रूप में भी किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना होता है। दोस्तों, आप इस क्रेडिट कार्ड की मदद से अपने क्रेडिट हिस्ट्री को आप सुधार सकते हैं। आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट समय पर करते हैं तो आप इससे अपने क्रेडिट हिस्ट्री को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड आपको कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके माध्यम से आप अपने क्रेडिट कार्ड का फिजिकल रूप से इस्तेमाल किए बिना, यानी बिना स्वाइप किए, आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने क्रेडिट कार्ड का डिटेल कभी भी और कहीं से भी आप डिजिटल रूप से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और अपने सभी प्रकार के खर्चों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, स्टेप अप क्रेडिट कार्ड को प्राप्त करने की प्रोसेस काफ़ी आसान है। इसके लिए किसी प्रकार के बैंक अकाउंट को खोलने का किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं होता है। दोस्तों, आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को कभी भी बढ़ा सकते हैं। आप जितना अधिक फिक्स डिपॉजिट जमा करते हैं आप उतना अधिक क्रेडिट लिमिट का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 1,00,000 रुपये तक बढ़ा सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में आप अपने डेली खर्चों पर कंट्रोल भी रख सकते हैं। इसके लिए आप एक को लिमिट निर्धारित कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को रोक सकते हैं। दोस्तों, स्टेप अप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने की प्रोसेस पेपरलेस होती है। आपको इसके लिए किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को फिजिकल रूप से जमा करने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, स्टेप अप क्रेडिट कार्ड में आपको पार्टनर मर्चेंट जैसे कि बिग बास्केट, बुक माई शो, स्विगी, यात्रा, क्रोमा आदि पर ऑफर और छूट प्रोवाइड किए जाते हैं। आप इसके माध्यम से अपने शॉपिंग में बचत को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपको स्टेप अप क्रेडिट कार्ड के लिए फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा किए गए पैसों पर मैक्सिमम ब्याज प्राप्त होता है। आप इसके माध्यम से 6.4% एनुअल इंटरेस्ट रेट की दर से आप ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें स्टेप अप क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले फीस और चार्जेस की, तो इसमें ज्वाइनिंग फ़ी 0 है और रिन्यूअल फ़ी भी 0 है। दोस्तों, स्टेप अप क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा किए गए पैसों पर निर्भर करती है। आप अपने स्टेप अप क्रेडिट कार्ड के लिए फिक्स डिपॉजिट के रूप में मैक्सिमम 1,00,000 रुपये तक की धनराशि जमा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप 1,00,000 रुपये तक की धनराशि आप फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा करते हैं तो आप अपने स्टेप अप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1,00,000 रुपये तक की क्रेडिट लिमिट प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आपके स्टेप अप क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट पूरी तरीके से आपके द्वारा फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा किए गए पैसों पर निर्भर करती है, और ये मैक्सिमम 1,00,000 रुपये तक हो सकती है।
दोस्तों, अगर आप एक स्टेप अप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पैसा बाजार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। आप पैसा बाजार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर स्टेप अप क्रेडिट कार्ड के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन की प्रोसेस काफ़ी आसान है, आपको बस बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा और आप आसानी से एक स्टेप अप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टेप अप क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप स्टेप अप क्रेडिट कार्ड कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या और सवालों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको स्टेप अप क्रेडिट कार्ड कस्टमर केयर नंबर के लिए पैसा बाजार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। आप वहां पर उपलब्ध कस्टमर केयर नंबर के माध्यम से अपने स्टेप अप क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड किसी भी समस्या का समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को स्टेप अप क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स और फीचर्स के बारे में डिटेल में बताया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।